गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं नहा कर आ गई हूँ, मेरी क्लीनिंग वगैरह सब हो गई है, बस मुझे अभी लंच की प्रिपरेशन करना है, ब्रेकफास्ट हो गया, ऐसा हो गया। और बस मैं आज सुबह से सोच रही थी कि मैं स्टार्ट करूँ, व्लॉग स्टार्ट करूँ, पर हो ही नहीं पा रहा था। और या मैं नहा कर आई हूँ अभी, मैंने आज हेयर वॉश किया है एंड अथर को भी नहला दिया, वो भी तैयार हो गया है। और बस यही है आज का अपडेट। आज हम लंच में कुछ भी हैवी बनाने वाले नहीं हैं। एक्चुअली हमारा आज ब्रेकफास्ट काफ़ी हैवी हो गया है, तो इस वजह से लंच में थोड़ा सा आज लाइट ही खाएंगे। देखते हैं क्या बनाती हूँ मैं। वैसे मैंने दही निकाल के रख दिया था रात में ही, तो मोस्ट प्रोबेबली आज मैं कढ़ी बनाऊंगी, और कढ़ी राइस जो कि मुझे बहुत पसंद है, सबको ही पसंद होते हैं आई थिंक, कढ़ी तो अच्छी लगती है सबको। और बस यही है आज का अपडेट अभी तक का। मैंने सोचा कि अब मैं वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ, सुबह से मैं नहीं कर पाई, सुबह से मैं सोच रही थी पर मैं नहीं कर पाई। एंड या मैंने बालों में हेयर सीरम लगाया है, अभी हल्के हल्के मेरे बाल अभी ड्राई होने वाले ही थे, तो मैंने सोचा बालों में हेयर सीरम लगा लेती हूँ। सो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में किचन में। अब देखिए मैं किचन में आ गई हूँ और ये मैं बनाने लगी हूँ कढ़ी। इसके लिए मैंने ले लिए है बेसन, और तीन चार टेबल चार चम्मच मैंने बेसन लिया होगा, उसमें दही डाल लिया है। दही को मैंने रात में ही बाहर निकाल के रख दिया था क्योंकि ये जो मुझे खट्टी दही चाहिए थी इसलिए। और अगर आपको भी खट्टा दही चाहिए है और कढ़ी थोड़ा खट्टी पसंद होती है, तो इसलिए आप उसमें रात में ही दही को फिर से बाहर निकाल करके रख सकते हैं, उसमें एक चम्मच नमक डाल करके। और मैंने इसमें हल्दी और थोड़ा सा नमक और डाल करके इसको अच्छे से फेंट लिया है विस्क से, और इसमें थोड़ा सा पानी और डाल के इसको पतला कर लेंगे। और अब इसमें हम अपने जो भगोनी है इसमें हम ऑयल डाल करके थोड़ा सा मैं गर्म करूँगी। जैसे ऑयल गर्म होगा इसमें हम मेथी दाना डाल करके और ये जो मैंने बनाया है घोल, ये पूरा घोल डाल दूँगी मैं इसमें। और इसको जब बिल्कुल छोड़ना नहीं है, तुरंत ही हमें इसको चलाना है, कंटिन्यूसली हमें कढ़ी पर ही ध्यान देना है, नहीं तो ये फन कर ऊपर भी निकल सकती है, फैल भी सकती है। इसको स्टार्टिंग में हमें कंटिन्यू चलाते रहना पड़ेगा, और या जब ये एकदम जब इसमें खोल आने लगती है, पकने लगती है, तब हम इसको स्लो करके छोड़ सकते हैं, नहीं स्टार्टिंग में हमें कंटिन्यूसली इसमें चलाना पड़ेगा। और इसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाल करके टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल करके और बस इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब मैंने बेसन लिया है, बेसन में मैंने नमक मिर्च हींग डाल करके इसको फेंट लिया है। देखिए इस कंसिस्टी में हमें इसको रखना है, इसकी मैं पकौड़ी बनाऊँगी। आज मैं पकौड़ी वाली कढ़ी बनाने वाली हूँ, तो बस उसके लिए पकौड़ी का मैंने ये बैटर तैयार कर लिया है। और इसमें हमें ताकि ये थोड़ी स्पंजी और फूली फूली बने, इसके लिए हमें बस थोड़ा सा एक या दो पिंच हमें लेना है वो बेकिंग सोडा। और हम बस कढ़ाई में ऑयल गरम कर लेंगे, इसमें मैं देखिए ये डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, सिर्फ हमें दो या तीन पिंच लेना है, अगर आप डाल सकते हैं तो, वरना अगर आपका मन नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। और बस हमें अपनी पकौड़ियाँ ऑयल में तोड़ देंगे एक एक करके। ये देखिए ये हमारी पकौड़ियाँ बनके तैयार हो रही हैं। मेरी तो एक बार में ही सारे मतलब एक बार में ही आ गई थी, क्योंकि बस ये हम दोनों के लिए मैंने बनाई है, तो इतनी बहुत है। बल्कि इसमें से भी हमने कुछ ऐसे ही खा ली थी, उसके बाद बाकी जो थी वो मैंने कढ़ी में डाल दी थी। और साइड में देखिए मैं कढ़ी चलाती जा रही हूँ, बीच बीच में कढ़ी में हमें पूरा ध्यान रखना है, नहीं तो ये फन के बाहर आ सकती है। बस यही है, अभी देखिए मैं बना रही हूँ, ये हो गई है हमारी पकौड़ियाँ तैयार और इनको हम निकाल लेंगे। ये देखिए ये हमारी बन के हो गई है तैयार। और ये मैंने कुछ क्रैक्स अतर्प के लिए तले थे, कढ़ाई भी गर्म थी, ऑयल गर्म था, मैंने सोचा उसके लिए कर देती हूँ, पर उसने ये नहीं खाया, उसका मन था, वो देखो प्लेट देख रहा था, वो बोल रहा था मुझे प्लेट, मम्मा मुझे प्लेट चाहिए, प्लेट चाहिए। उसमें से उसने अपने पसंद से ये लेकर गया।
फिर बाद में उसने एक दो पकौड़ी खा ली थी। अब मैंने ये राइस बनने भी रख दिए हैं। मैंने राइस को 3-4 बार अच्छे से वॉश कर लिया था और बस मैं घी और नमक डाल करके मैं राइस भी बनने के लिए रख दूँगी, तो हमारी कढ़ी और राइस हो जाएंगे तैयार। ये देखिए, और मिल्क भी आ गया है, तो मिल्क में मुझे बॉयल करना है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये जो मिल्क के पैकेट है ना, ये हम कोई भी पैकेट खोल देते हैं, मतलब जो काटते हैं ना, तो साइड का टुकड़ा हम काट के ऐसे फेंक देते हैं। वो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ना, वो रिसाइकिल नहीं हो पाते हैं, वो जो प्लास्टिक होती है, इसलिए हमें, देखिए जैसे मैं डाक काट रही हूँ ना, उसमें ही बस साइड से हमें कट लगाना है, पूरा उसको हमें अलग नहीं करना है। इससे क्या होता है, हमारी प्लास्टिक वो अच्छे से रिसाइकिल हो जाती है पूरी की पूरी, नहीं तो उतना वेस्ट हो जाता है। मैंने कहीं पढ़ा था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब हमें छौंका लगाना है कढ़ी में। ये मैंने देखिए अलग से निकाल दिया थर्प के लिए, क्योंकि वो मिर्च इतना नहीं खाएगा। और बस हमें ये जो तड़का पैन होता है उसको गर्म कर लेना, उसमें घी डाल देना, और तुरंत, बिल्कुल रुकना नहीं है, तुरंत ही हमें उसमें मिर्च, लाल मिर्च डाल देनी है और हींग, और इसको हम कढ़ी में छौंका लगा देंगे। तुरंत हमें गैस बंद करना है, नहीं तो हमारी लाल मिर्च जल सकती है और जलकर एकदम काली हो जाएगी। इसका छौंका हमें घी में ही लगाना है, इससे ज़बरदस्त कढ़ी का टेस्ट आता है। अगर आप ऐसा ट्राई नहीं करते ना, तो आप ट्राई करके देखिए, आप हर बार ही यही तड़का लगाएंगे। और ये देखिए, हमारे कढ़ी चावल बनकर हो गए हैं रेडी गर्म गर्म। आइए आप भी खा लीजिए, मैंने इंजॉय कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कर रही हूँ। मैं इंस्टाग्राम के लिए रेडी हुई थी, मैं इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए रेडी हुई थी, और हमने मंगा लिया आइसक्रीम, तो मैं यहाँ आइसक्रीम खा रही हूँ। और ये पूरी आइसक्रीम मैं खाने वाली नहीं हूँ, आप ऐसा मत सोचिए, मैं अकेले नहीं खा रही हूँ, शिवम भी सामने बैठे हैं, मैं उनसे ही बातें कर रही हूँ। और अथर्व सो गया था, अथर्व को हमने उठाने की कोशिश की पर वो नहीं उठा, वो तुरंत ही सोया सोया था, इस वजह से वो नहीं उठा। लेकिन उसने बाद में आइसक्रीम थोड़ी बहुत खा ली थी, वो वैसे भी ज़्यादा भी ये सब नहीं खाता आइसक्रीम वगैरह। तो बस मैं ये इंजॉय कर रही थी, उसके बाद मैंने थोड़ी रील्स बनाई। अब मैं करने लगी हूँ क्या, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कर क्या रही हूँ। ये मैं एक बॉक्स था, इसमें अथर्व के टॉयज रखे रहते थे, तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, इसलिए इसमें चार्ट पेपर मैंने लगा करके इसमें 1, 2, 3 ये अल्फाबेट्स वगैरह एक एक साइड लिख दिए हैं, एक साइड शेप्स बना दिए हैं, और बस मैंने ये इसका कर दिया ताकि ये देखने में अच्छा लगे और इसके टॉयज इसमें रखे रहेंगे। इसका स्टोरेज बॉक्स था वो टूट गया था, तो मैंने कार्टन में ही रखना स्टार्ट किया, उसके बाद ये ऐसे ही था, तो मैंने सोचा इसको कुछ अच्छा सा कर देती हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हो। ये देखिए, अच्छा साइकिल चला रहा है। शाम का टाइम है, तो मैं इसको थोड़ा सा बस ये ऐसे ही छत पे टहल रहा है। एंड मैंने इसका वो जो बॉक्स बनाया है वो बस ऐसे ही रैंडम रखा हुआ था, इसमें ही उसका जो जिस स्टोरेज बॉक्स में मैं उसका जो टॉयज है वो रखती थी, तो वो इसने गिरा गिरा के तोड़ दिया है, तो वो टूट गया था अभी कुछ टाइम पहले। तो बस इस वजह से मैंने उसको, जो कार्डबोर्ड बॉक्स कार्टन होता है उसमें मैंने इसके टॉयज रखे, बस वो अच्छा नहीं लगता था, मेरे पास ये पेपर वगैरह रखे थे, तो मैंने बस ऐसे ही सोचा कि इसको मैं इसमें रैप कर देती हूँ थोड़ा सा, बस ऐसे ही रखने में अच्छा लगेगा। इस वजह से आप भी ऐसा कर सकते हो, अगर आपके घर में बच्चे हैं, उनके टॉयज फैले ही रहते हैं, तो ये ऐसा स्टोरेज बॉक्स टाइप का आप भी बना सकते हो, बल्कि और अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो। मैंने तो बस जो भी मेरे पास था उसको ही लगा दिया है। व्लॉग्स इंजॉय कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। तो या और देखिए मेरे बाकी के भी पीछे वाले व्लॉग्स जो मैंने डाले हैं 2-3, और या मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।